माननीय जी, कैरियर फेस्ट आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत एक मौका है बच्चों को तालीमी आगाही देने का, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिलने का आपस में बच्चों को। अभी मैं मिलता हुआ आ रहा हूँ, चिलास से बच्चे आए हुए हैं जो स्कर्दुआ के, इतने खुश हैं अपने भाइयों को देख के, बहनों को देख के, और उनकी खुशी दी थी, वो रुकना चाह रहे हैं, मतलब मुझे तो इस बात की खुशी है। और दूसरे अजला से, जिदर से, हंजा से, फिर आप देखें यहाँ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी वो आई हुई है बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे, हम इस तरह के और मौके पैदा करें। इंशाल्लाह अगले साल ध्यावर लेकर जाएंगे। स्कर्दू और ये आज ये हालात देखें, ये पूरे पाकिस्तान का मैसेज है, इससे ज़्यादा पीसफुल जगह कोई नहीं, इससे ज़्यादा मेहमानदारी रखने वाले लोग कोई नहीं, इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और वजीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत में एक कैरियर फेस्ट का हम इंतजाम कर रहे हैं, जिसके तहत स्टूडेंट्स को सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग से बढ़कर और जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ प्रोफेशन अवेलेबल है उसके उनके लिए एक गाइडेंस का काम दें। और खुदा न खासा अगर कोई एग्ज़ाम फेल हो जाए या कोई इस तरह का मेडिकल सीट ना हो जाए तो वो ये ना सोचे कि ये एंड ऑफ लाइफ है, एंड ऑफ करियर है, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे कोई तकरीबन 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के करियर स्टॉल्स हैं, और जो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इस कई इस 400 किस्म के करियर प्लान हो सकते हैं। तो ये सिर्फ बच्चों का जहन खोलने के लिए, उनको कुशादा करने के लिए, और वो एक ओपनिंग, एक होप की ओपनिंग के लिए ये करियर फेस्ट इनका किया गया। बहुत सुपर फेस्टा के हवाले से आज सुबह से ये चीफ सेक्रेटरी साहब के जो पिछले साल से जो एजुकेशन में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी कड़ी है, तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर और जो गेस्ट स्पीकर वहाँ हमारे थोड़े डाउन से आए हुए थे यहाँ के थे, बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन हुई बच्चों को। हमने करीबन 7-8 हज़ार के करीब बच्चे यहाँ पर आके स्टार्स देखे, उन्होंने यहाँ पर आके तकरीर सुनी, मोटिवेशन ले लिया। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये सिलसिला पूरी जी भी जारी रखेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब तो ये कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर ये हरियाणा में भी इनेकाद करने का प्रोग्राम भी होगा, तो इससे ये होगा कि हमारे इलाके में एक हमाहंगी पैदा होगी, अच्छा एक अमन का माहौल पैदा होगा। पिछले दिनों में जो कुछ मुश्किल पैदा हुए थे उनको बेहतर करने की देर करी है, तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारे बच्चे कामयाब कामरान रहे, हमारा इदारा चलता बोलता रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मोटिवेशंस, ऐसी जो रोड मैप बच्चों के कैरियर के होंगे आइंदे भी होते रहेंगे। तो मैं आप सबका भी इससे फॉर्म के तौर से शुक्रिया करता हूँ, आपने भी इनको बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया। तो कल के इस प्रोग्राम, परसों के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह उम्मीद है लाएंगे और इसको बूस्ट अप करें जितना हो सकता है, ताकि जो बच्चे यहाँ नहीं आ सके हैं वो भी आ जाएं। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वल पार्टिसिपेशन जरिए दिया हुआ, उसमें कैंट कॉलेज है, जहाँ पब्लिक स्कूल्स हैं, और उसके बाद पेन के जो प्राइवेट स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हमने कहा हुआ था, और वो भी आई, बड़े इंस्पायर हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी आज से फिर उन्होंने नहीं देखा। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत कैरियर बिल्डिंग के हवाले से बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ।